मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, पेड़ पौधों में, नदियों समुद्रों पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, एक ही चेतना है, एक ही चेतना, बस वही है, बस वही। ये भाव अगर सबके मन में आ गया, ये भाव अगर सबके मन में आ गया, तो फिर जो तुझ में है वही मुझ में है, तो मैं तू हूं और तू मैं है, और वो मुझ में भी है, वो तुझ में भी है, तो काय का भेद, सारी उथल पुथल शांत हो जाती है, सारा द्वैत मिट जाता है। फिर मनुष्य उसको जान लेता है कि जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। फिर वो कहता तत्व मसी, फिर वो कहता सो अहम, मैं वही हूं, और कई कह उठते अहम ब्रह्मास्मि। ये अद्भुत सोच, और सचमुच में दुनिया की समस्याओं का समाधान भी इसी में है। यही सोच है भारत का, जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और इसी भाव से प्रेरित होके हम अगर सेवा के काम करते रहे तो सचमुच में हम अपने जीवन को ही धन्य और सार्थक बना रहे। अब मैं आया तो मैं पेड़ लगा के आया, मैं मेहमा मंडित करने के लिए नहीं कह रहा। मैं दिनचर्या ऐसी हो सकती है, सवेरे मैं चाय पीता हूं तो चिड़ियों को दाना डालता हूं भाई साथ में, तुम दाने खाओ मैं चाय पीऊ, फिर मंदिर में पूजा करके गाय को रोटी, कुछ को लग सकती है कि ये तो फालतू का कर्मकांड है, लेकिन प्राणियों के प्रति तो बच्चियों को रोटी खिलाए, और फिर पेड़ लगाता हूं मैं, इनका भाषण ही देता रह गया शिवराज के, पेड़ लगाओ लो तो कौन सुनेगा, कोई भाषण के सुनते हैं क्या? जब तक आचरण में नहीं उतारोगे तब तक दुनिया नहीं सुनेगी, तो खुद पेड़ लगा दो, कहने का अधिकारी के पेड़ लगा। तो 2.5 साल से मैं निरंतर पेड़ लगा रहा हूं, एक दिन भी कोविड के टाइम भी कोई दिन खाली नहीं गया, क्योंकि ये मूल है सेवा का, ये भी तो धरती की सेवा है ना, ऑक्सीजन चाहिए, उत्ता तो लगा दो कम से कम पेड़ जितनी तुम्हें जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। धरती को कर्जदार मत बनाओ। तो ये सेवा के विविध आयाम है, एक है दीन दुखी दरिद्र उनकी सेवा करना, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, और वहां से लेके सेवा का भाव यहां तक। मुझे लगता है कि C20 का ये सम्मेलन सेवा के इस भाव को एक नया अर्थ देगा, विश्व मानवता के भाव को भी मजबूत करेगा, वसुधैव कुटुंबकम के भाव का भी प्रचार प्रसार करेगा, और यही भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः तक दुनिया को ले जाएगा, और इसी से दुनिया का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए कई चीजें ऐसी अद्भुत होती है, पेड़ की बात आती है तो भारत का जो सोच है, भारत में तो आपको पता है कि केवल मनुष्य तक सीमित नहीं रहते, एक ही चेतना की जब हम बात, संतोष जी ज्यादा देर तो नहीं होगी, हम केवल मनुष्य की चिंता नहीं करते। भारत में आप देखेंगे गांव गांव में आज भी गर्मियों में पीने का पानी लटकाते हैं कि चिड़िया पानी पी ले, गिलहरी भी खा ले, चिड़िया भी खा ले, तो दाने डालने की भाव है। अब ये भाव क्या है सेवा का? एक ही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, प्राणियों में भी वही चेतना है, और ये धरती केवल मनुष्य की बपौती थोड़ी है, प्राणियों के लिए भी है, जीव जंतुओं के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है। और इसलिए भाव अगर एक ही चेतना है तो उनके प्रति भी वही भाव होना चाहिए कि मैं इनमें हूं, ये मुझ में है। और इसलिए भारत में 33 करोड़ देवता मानते हैं, गाय में उनका वास मानते हैं, तो गौ माता की भी सेवा करो, और केवल गाय नहीं, देखो अद्भुत है, मतलब आप इस सोच को देखिए, सेवा के सोच को। हमारे यहां 10 अवतार मानते हैं भगवान के, उनमें से 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये काय के रूप में हुआ, पशुओं के रूप में, और नरसिंह अवतार आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में हुआ। जितने भी देवता हैं वो सब किसी न किसी पशु या पक्षी पर बैठ के आते हैं। भगवान विष्णु तो गरुड़ को भी पूजना पड़ेगा, भोले भंडारी तो नंदी की भी पूजा करनी पड़ेगी, गणेश जी तो मूसक को भी प्रणाम करना पड़ेगा, लक्ष्मी जी तो उल्लू के हाथ में भी के सामने भी प्रणाम करना पड़ेगा, दुर्गा जी तो शेर पे सवारी। ये भाव क्या है वास्तव में? इसकी गहराई में अगर जाएं
तो पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, एक ही चेतना उनमें भी है, यही तो ये भाव है, इससे अलग भाव नहीं है। और ऐसे ही हमने पेड़ों की पूजा भी की। देखिए आज पूरी दुनिया चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, धरती की सतह का तापमान 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। अब ये किया कौन ने? ये तो किया हमने सब पाप, ज्यादा विकसित देशों ने किया, अब कौन ने किया इस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन बचाना है। तो ये तो हजारों साल पहले कह दिया भारत ने कि हमको बचाना है तो हमको पर्यावरण की रक्षा करनी पड़ेगी, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। देखिए शोषण और दोहन में अंतर है। आम के पेड़ में अगर फल लगे और आप वो फल तोड़ लो तो यह है दोहन, लेकिन कुल्हाड़ी लेके आपने आम का पेड़ ही काट दिया तो यह शोषण। हम दोहन नहीं, हम तो शोषण करने में लग गए, काटो पेड़, फाड़ो धरती का पेट, चीरो निकालो पानी, करो कार्बन गैसों का उत्सर्जन, क्या हालत कर दी हमने धरती की। और हमने केवल धरती के साथ अन्याय नहीं किया, पेड़ पौधे पशु पक्षी, अब चीता यहां कितने होते थे खत्म हो गए, प्रधानमंत्री चीता लेके आए, सबके लिए धरती नहीं है क्या? ये धरती तो सबके लिए है, और सब रहेंगे तो ही हम रहेंगे, केवल पेड़ों का सवाल नहीं है, पशु पक्षी भी चाहिए, कीट पतंगे भी चाहिए, और इसलिए कैसे धरती सबकी रहे, हम उनको भी आत्मभाव से देखें। दुनिया आज कहती है लेकिन भारत ने नदियों को केवल जल बहने वाली वाहिका नहीं माना, इनको भी माता माना, माता गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, ये पवित्र माताएं हैं, इनको प्रदूषित मत करो।